શું નજારો છે, શું સિક્યુરિટી છે, શું માહોલ બની રહ્યો છે? ગૌરવ, ભારતમાં ક્રિકેટ એ રમત નહીં પણ એક ધર્મનું સ્થાન લઈ ચૂકી છે. એમાં જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ હોય ત્યારે તેનો રોમાંચ કંઈક અલગ જ હોય છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે વર્લ્ડ કપની મેચ રમાવાની છે ત્યારે મેદાનની અંદર તો રોમાંચ છે જ, પણ મેદાનની બહાર પણ રોમાંચ જોવા મળે છે. ભારત પાકિસ્તાનની મેચ માત્ર દર્શકોને મનોરંજન નહીં પરંતુ કેટલાક લોકોની આજીવિકાનું સાધન પણ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ યોજાવાની છે ત્યારે ઘણા એવા ફેરિયાઓ છે, ઘણા એવા લોકો છે જે અહીંયા અલગ અલગ ચહેરા ઉપર ટેટુ કરે છે, ટીશર્ટનું વેચાણ કરે છે, ફ્લેગનું વેચાણ કરે છે અને પોતાની આજીવિકા રડે છે. આ આજીવિકા રડવા માટે માત્ર ગુજરાત નહીં દેશભરના અલગ અલગ લોકો અહીંયા આવેલા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. આપના નામ બતાવ્યો ઓર કહાં સે આતે આપ? મેરા નામ દયાનંદ નામજોઈ ચૌહાણ, મેં મહારાષ્ટ્રનું, મેં મુંબઈ સે આયેલા. દયાનંદ જી, જહાં ભી મેચ હોતા હૈ વહાં જાતે આપ ફ્લેગ બનાને કા કામ કરતે હૈ, કિતના પૈસા લેતે ઓર કિતની આમદની હો જાતી હૈ? ફ્લેગ્સ બનાને કા તો હમ લોગ જાતે હૈ, મતલબ શોખ હૈ બચપન સે, મતલબ ફ્લેગ્સ તો મેં નહીં કરતા હું, લેકિન એક મેરે દોસ્ત લોગ હૈ उन लोगों को शौक था, लेकिन वो मैं आया, इंडिया पाकिस्तान इज बेस्ट इस मैच, इसके लिए मैं आया. एक सवाल मैं एक बोलना चाहता हूँ, 1983 जो वर्ल्ड कप 1983 का जो वर्ल्ड कप था, तब में मेरा उम्र से 4 साल का था, 4 या 5 साल का, तब से मेरे को मैच का शौक. तो ये फ्लैग बनाते हो, कितना रुपये लेते हो एक बंदे से? नहीं कुछ नहीं, जो देता खुशी से, जो हम लोग बोलते हैं 20-30-50 जो देता वो देते. कितनी आमदनी हो जाती है? जो होता है 500-600-700 आमदनी हो जाती है. आप कहाँ से और कहाँ कहाँ गए अब तक? दिल्ली, जयपुर, बम्बई, पूना और अहमदाबाद. हर जगह पे मैच होती है भारत के, वहाँ पे जाते हैं? हाँ. और क्या करते फिर मैच में वहाँ पे? ये पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करता है, हो जाता है गुजारा, भाड़ा जो किराया कुराया निकाल निकल के, खर्चा खुर्चा निकाल के 2000 रुपये आमदनी हो जाती है. तो आपके लिए क्रिकेट एक खेल के अलावा आमदनी का साधन भी हो गया है? नहीं, ये तो अभी शुरू किया है, 1 साल हो गया है. नहीं पहले मैं मैच ही देखता था. कैसा रहा 1 साल, कैसा रहा ये? एकदम ठीक रहा, पूरा अपील निकाला, फिर ये वर्ल्ड कप आया, अच्छा रहा. तो आमदनी अच्छी हो जाती है. क्या नाम है और कहाँ से आते हो? सर रामवीर सिंह नाम है, लखनऊ प्रॉपर हूँ, रहने वाला हूँ. और मैच तो मेरा देखने का शौक है, बाकी घूमने के पर्पज से ज्यादा आते हैं और आमदनी होती है. अब तक कितनी मैच हुई जहाँ पे आपने टी शर्ट बेची? मैच में लगभग हर स्टेट में गए हैं, हर स्टेडियम होके आया हूँ, एक स्टेडियम नहीं गया हूँ वो भी गुवाहाटी, बाकी ऑल इंडिया जो है कहीं मैच होता हम होते हैं हम लोग. एक मैच में तकरीबन कितने टी शर्ट बेचते हो? 70-80-100 तक हो जाता हमारा, 600. तो जो खर्चा पानी वो सब निकल जाता है? हाँ, निकल के 2-4 हजार बजाता अपना. तो आपका शौक भी है और आमदनी भी हो जाती है? शौक तो हमारा है, मैं सचिन ने चालू किया था जब मैच, तब से हम देख रहे हैं मैच. मैच देखने के साथ टी शर्ट बेचने का भी काम बेचते रहते हैं, बाकी फिर अपना घर पे काम करते. दूसरा आज क्या एक्सेप्ट करते हो आज? आज तो रोहित शर्मा हिट 150+. क्या नाम है और कहाँ से आते हो? प्रदीप, मेरठ से आते हैं जी. प्रदीप, क्या बेचते हो स्टेडियम के बाहर? हम फ्लैग बेचते हैं, अंदर भी स्टेडियम में काम है हमारा. हाँ जी. कितना कमा लेते हो फ्लैग से? कमा लेते हैं, फ्लैग लेकर आते हैं हम कम से कम 10-1 हजार रुपए लेकर आते हैं, उसमें 5-1 हजार रुपए बच जाते हैं सब काट कूट के. और अब तक कौन कौन से स्टेडियम में ये कर चुके तुम? जहाँ जहाँ स्टेडियम में है वहाँ वहाँ पहुँच गए हम. कैसा रहता है पूरा मैच और आमदनी? बढ़िया रहता है जी. तो तुम्हें जोयू के न मात्र भारत ना खूणे खूणे थी दर्शकों मैच जो आया है, भारत ना खूणे खूणे थी लोगों यहाँ आजीविका रवड़ा माटे पण आया है. કેટલાક લોકો પેન્ટિંગ કરીને આજીવિકા રહે છે, કેટલાક લોકો ટી શર્ટ વેચીને આજીવિકા રહી રહ્યા છે, કેટલાક લોકો ભારતનો ધ્વજ વેચીને આજીવિકા રહી રહ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ મનોરંજન તો આપે છે, સાથે સાથે કેટલાક લોકોને આજીવિકા પણ પૂરી પાડે છે. કેમેરા પર્સન રાહુલ સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ.